हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट गवर्नमेंट जॉब पे, जहां मिलते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं कि DDA में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में वैकेंसी निकली है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे भी आपको गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस वैकेंसी संबंधित इम्पोर्टेंट डेट की। दोस्तों, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे वो होंगे 26 दिसंबर 2018 को, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 22 जनवरी 2019 शाम 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो फीस पे करने की लास्ट डेट है वो है आपकी 25 जनवरी 2019। एग्ज़ाम की डेट और एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी सूचित कर दी जाएगी। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो फ़ीस है वो जनरल OBC ST SC सबके लिए 500 रुपीज़ है। इसका पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की। टोटल जो पोस्ट है वो है 203, और पहली पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की है। टोटल 20 पोस्ट है, एज लिमिट 18 से 30। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 इंटरमीडिएट्स इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स इन इंडिया, और इसके लिए जो स्पीड है वो 10 मिनट स्पीड 80 वर पर मिनट, और जो स्पीड ऑन कंप्यूटर है वो इंग्लिश 50 मिनट और हिंदी 65 मिनट। वो सर्वेयर की है। टोटल पोस्ट 13 है। इसके लिए एज लिमिट 18 से 25 है। 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन सर्वेयर विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है वो आपके असिस्टेंट सेक्शन की है, ऑफिसर ASO की है। 4 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 30 है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद कंप्यूटर नॉलेज। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग, 19 वैकेंसी, मैक्सिमम एज 35। बैचलर डिग्री इन प्लानिंग, आर्किटेक्चर और सिविल म्यूनसिपल इंजीनियरिंग, और मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर की 13 वैकेंसी, मैक्सिमम एज 35 है। मास्टर डिग्री इन अर्बन डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और लैंडस्केप बिल्डिंग, और बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वैकेंसी वो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम के 5 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 30 है। BU, BTEC, BSc, MSc, MTEC, MCA इन कंप्यूटर साइंस और IT विद 60% मार्क्स होने चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर 9 वैकेंसी, 30 मैक्सिमम एज है। MBA डिग्री इन पर्सनल HR, इंडस्ट्री रिलेशनशिप, रियल इस्टेट, अर्बन मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर AAO, 18 वैकेंसी, मैक्सिमम एज 30 है। CEO, CSO और MBA इन फाइनेंस। लॉ ऑफिसर JLO, 5 वैकेंसी, मैक्सिमम एज 32 है। बैचलर डिग्री इन लॉ, 5 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है प्लानिंग असिस्टेंट, 45 वैकेंसी, मैक्सिमम एज 30। बैचलर डिग्री इन प्लानिंग और आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है प्रोग्रामर के 3 वैकेंसी है और 30 मैक्सिमम एज है। इंजीनियर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और NIE LIT बी लेवल एग्जाम पास। नेक्स्ट है आपके जूनियर इंजीनियर सिविल, 3 वैकेंसी, 18-27 एज है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है SO हॉर्टिकल्चर, 2 वैकेंसी, मैक्सिमम एज 30 है। बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपकी आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड की है, 10 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 30 है। बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर। नायब तहसीलदार की है, 6 वैकेंसी है, 21-30 एज होने से। बैचलर डिग्री एंड स्ट्रीम विद 50 मार्क। नेक्स्ट डिग्री है वो, नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपकी डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्चर, 1 वैकेंसी, मैक्सिमम इज 40। मास्टर डिग्री आर्किटेक्चर और लैंडस्केप और बिल्डिंग। बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वो आपके डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग, 6 वैकेंसी है, मैक्सिमम इज 40। बैचलर डिग्री इन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, सिविल म्यूनसिपल इंजीनियरिंग और मास्टर डिग्री ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स और 5 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप, 5 वैकेंसी, 30 एज मैक्सिमम है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर, डिग्री इन बॉटनी और एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस 1 ईयर। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी सीनियर लॉ ऑफिसर के, 3 वैकेंसी, 35 मैक्सिमम एज है। बैचलर डिग्री इन लॉ और 7 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। SC और ST के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज छूट मिलेगी। OBC के उनको 3 साल का। PWD होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको 10 साल की वैकेंसी। SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी 15 साल की वैकेंसी, वो उनको छूट मिलेगी। OBC पर्सन विद डिसेबिलिटी उनको 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों, कमेंट करके बस बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।